एक बार सभा में बीरबल खड़े थे और अकबर बैठे थे। अकबर ने बीरबल का मजाक उड़ाने के लिए एक मनगढ़ंत बात बताई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल आज हमने एक सपना देखा है। कैसा सपना? बोले, आज हम शहद के कुएं में नहा रहे हैं और तुम मलमूत्र के कुएं में नहा रहे हो। बीरबल, तुम मलमूत्र के कुएं में डूबे थे और हम शहद के कुएं में नहा रहे थे, डूबे थे सपने में। सारी जनता हंसने लगी बीरबल के ऊपर कि ये मलमूत्र में नहा के आ रहे हैं। तभी अकबर के इस स्वप्न का बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल ने कहा, राजा साहब सपना तो मैंने भी देखा है, तो बताओ कैसा देखा है। बोले, बिल्कुल ऐसा ही जैसा आपने देखा है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या? बोले, आप शहद के कुएं में नहा रहे थे, मैं मलमूत्र के कुएं में नहा रहा था, लेकिन जब हम दोनों बाहर आए तो आप हमें चाट रहे थे, हम आपको चाट रहे थे। अर्थ क्या निकला? अकबर डूबा जो था शहद के कुएं में, शरीर में शहद चिपकी थी, लेकिन वो चाट क्या रहा था? मलमूत्र को। और बीरबल के शरीर में मलमूत्र था, पर वो चाट क्या रहे थे? शहद को। अर्थ क्या निकला? आपका ये जो मनुष्य का शरीर आपने पाया है, एक्चुअली ये शहद आपने पाली है। 84 लाख योनियों की सबसे बड़ी मिठास है मनुष्य का शरीर, पर मनुष्य का तन पाकर भी वह मलमूत्र ही चाटे, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? इससे बड़ी दुर्गति व्यक्ति की क्या हो सकती है? पर व्यक्ति यही कर रहा है, शहद के कुएं में भीगा हुआ है। आप मनुष्य का शरीर पाए हैं, यही शहद पाना है, लेकिन शहद पाकर, मनुष्य का शरीर पाकर आप चिंतन किसका कर रहे हैं? विषयों का।